Start with question number 10. So it says an object 5 cm in length. मतलब उसकी जो height है, it is 5 cm. Is held 25 cm away from converging lens. Converging lens का मतलब क्या होता है? It is a convex lens. So यहाँ पे आपको बोला गया draw the diagram and find the position, size and nature of the image. So f आपका 10 दिया हुआ है. और कन्वेक्स के केस में जो f होता है पॉजिटिव ही होता है, u आपका नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे कितना दिया हुआ है -25 cm. सो सबसे पहले हम इसका एक रे डायग्राम ही बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कैसा दिखेगा और कहाँ पे हो सकता है. सो यहाँ पे हमें बोला गया था 25 cm की दूरी है. फोकल लेंथ इसका कुछ 10 cm दिया हुआ है. सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका हो गया 10 cm. लेट इट बी एफ वन और पोजिशन ऑब्जेक्ट की हमारी 25 cm है. ए बी ले लेते हैं इसको. अब सबसे पहली रे कैसे जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब वो पास कहां से होती है? पासेस फ्रॉम एफ टू. दूसरी रे कहां से जाएगी? इट पासेस फ्रॉम सेंटर ओ. सो आप यहां पे देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है इट इज ऑन द अदर साइड एंड यू कैन सी कि इन्वर्टेड. सो यहां पे एक ओ से पास हुई है, सेंटर से पास हुई है और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी जो एफ टू से पास हुई है. सो अब आपको ये जानना है कि आपका इमेज डिस्टेंस कितना है, v कितना है. f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, वी कैन इजिली फाइंड v. सो फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f, f की जगह 10, v इज अननोन टू u और u की जगह -25. सो 1/10 इक्वल 1/v प्लस 1/25. सो 1/25 आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और वो माइनस में हो जाएगा. सो 25 और 10 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे. सो 25 एंड 10 विल बी 25 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है 10 एंड 25. तो एलसीएम हो जाएगा आपका 50. तो फर्स्ट टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो फर्स्ट टर्म इज 5 माइनस 2/50 इज 3/50. तो आपके पास 1/v की वैल्यू 3/50 आ गई. सो यू गेट v एज 50/3 cm और इट इज 16.7 cm. अब बात है कि हमें नेचर भी बताना है तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा. और मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? एच आई ओवर एच ओ इक्वल्स वी ओवर यू. एच आई आपको नहीं पता, एच ओ आपको पता है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन टू यू, दैट इज 5 cm. सो 5 पुट करेंगे, वी की वैल्यू आपके पास है इट इज 50/3, यू की वैल्यू आपके पास है इट इज -25. 25 और 50 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपके पास. सो एच आई इज 2/3 इन माइनस और ये जो 5 है आपका ये ऊपर की तरफ चला जाए. सो इट इज -10/3 cm. तो आप देख रहे हो कि माइनस में है, इसका मतलब आपका जो हाइट है, आपकी जो इमेज है इट इज इन्वर्टेड एंड इट शोज दैट इट इज diminished. So, यहाँ पे मैंने आपको सब इंफॉर्मेशन दे दी फॉर क्वेश्चन नंबर 10. और आप यहाँ पे v भी मार्क कर सकते हो अपना. v कितना आया आपका? 16.7. और इवन हाइट भी मार्क कर सकते हो आप. हाइट आई है आपकी 10/3. सो दिस इज द आंसर, कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10.